नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्सेज न्यूजीलैंड अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो फिफ्थ अदर वनडे मैच खेला जाएगा इस मैच के ड्रीम 11 टीम की। आपको बता दूँ ये फिफ्थ अदर वनडे है। पहले जो फर्स्ट और सेकेंड वनडे बारिश की वजह से हो नहीं पाया था पूरा, और थर्ड और फोर्थ वनडे ऑस्ट्रेलिया यंग यानी ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 ने जीत लिया था। और आपको बता दो अदर वनडे में इसलिए इसमें प्लेइंग 11 का कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें प्लेइंग 11 नहीं होता है। आपको बता दूँ इसमें ऑस्ट्रेलिया का कभी 12 मेंबर खेलते, कभी 13 मेंबर खेलते, और न्यूजीलैंड के भी 12 मेंबर खेलते एक मैच में, इसलिए ड्रीम 11 वाले इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते। तो जो पिछले तीन मैचों में परफॉर्म करने वाले प्लेयर है उनके परफॉर्मेंस, और पिछले मैच में जो प्लेयर खेले थे वो प्लेयरों के नेम में आपको दिखा दूंगा। तो प्लेयर के नेम और परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का, और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते ही आप वीडियो देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको आपको प्रेस ही करना होता है, तो उसको प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोनों ही टीमों की। जो पिछला जो प्लेइंग था आपको, तो प्लेइंग प्लेयर्स थे यानी जो प्लेयर खेले थे आप देख सकते हो, न्यूजीलैंड के 12 मेंबर खेले थे आपको, तो 12 प्लेयर खेले थे पिछले मैच में। आप देख सकते हो जो न्यूजीलैंड के 12 प्लेयर थे वो मैरू, ओली वाइट, इसके अलावा आप देख सकते हो आदित्य अशोक, टिम पेंगल, क्रिस्टन क्लार्क, विलियम क्लार्क, जैसे टस्कॉफ, डायलन टेलर, जैसे फेरू, बेन पोरमेर, हाइडन डिक्सन, लुकास डसन। तो ये थे आपको बता दो न्यूजीलैंड का जो पिछला 12 मेंबर जो पिछले मैच में खेले थे, और जिन प्लेयरों ने रन की स्कोर किया आपको बता दूँ जो पिछले तीन मैच खेले गए थे, तीन मैच पुराने फर्स्ट मैच में जिन तो एक इनिंग खेला गया था, सेकंड मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, और थर्ड और फोर्थ मैच में जो प्लेयर अच्छे परफॉर्म किए थे और फर्स्ट मैच में थोड़े बहुत परफॉर्म किए थे, तो उन प्लेयरों के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे जो इन प्लेयरों ने स्कोर किए, तो देख सकते हैं मैरू ने 130 और 100 यानी 130 और पिछले मैच में 100 बनाए। इसके अलावा ओली वाइट 721 और 33 यानी 721 और 33 रन बनाए पिछले मैच में। लुकास डेसन नॉट प्लेड 43 और 4 यानी खेले नहीं थे फर्स्ट मैच, उसके बाद 43 और पिछले मैच में 4 रन बनाए। विलियम क्लार्क नॉट प्लेड 25 और 6 यानी फर्स्ट मैच नहीं खेला, तो उसके बाद 25 यानी 25 रन बनाए, तो पिछले मैच में 6 रन बनाए। अब जिन बॉलरों ने विकेट लिया आप देख सकते हो, आदित्य अशोक 320 यानी पिछले मैच में कोई विकेट नहीं, उससे पहले 2 और उससे पहले 3 विकेट लेते हैं। टिम पेंगल 1 नॉट प्लेड 0 यानी 1 विकेट लेते फिर नहीं खेले थे और पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला। जैसे टस्कॉफ 1-2 और 0 यानी 1 विकेट फिर 2 विकेट और पिछले मैच में कोई विकेट नहीं। क्रिस्टन क्लार्क 1 नॉट प्लेड और 1 यानी 1 विकेट मिला फिर नहीं खेला, और पिछले मैच में भी 1 विकेट मिला। लुकास डेसन नॉट प्लेड 1 और 0 यानी नहीं खेले थे, फिर 1 विकेट और पिछले मैच में कोई विकेट नहीं। हाइडन डिक्सन 0-2 और 0 यानी कोई विकेट नहीं, फिर 2 विकेट मिला और पिछले मैच में भी कोई विकेट नहीं मिला इनको। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो इनके टीम के जो प्लेयर थे आप देखते हैं, युवराज शर्मा, मैक्स क्लाटॉन, सैम फैनिंग, कोरी कैली, टॉड मर्फी, जैक फ्रेसर, लचन हरने, लियम स्कॉट, डेनिम बोरेस, मैकेंजी हार्वी, पैट्रिक राव, उसके अलावा देख सकते हो रायन बार्कर, जेम्स पाइक। तो देख सकते हो 13 मेंबर खेले थे पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के, और जिन प्लेयरों ने रन किए आपको बता दो पिछले जो तीन मैच खेले गए थे उन तीनों मैचों में, ओलिवर डेविस ने 58-41 और नॉट प्लेड यानी 58-41 और पिछले मैच में नहीं खेले थे। मैकेंजी हार्वी ने 55 नॉट प्लेड 54 यानी 55 नहीं खेले थे और पिछले मैच में 54 बनाए। सैम फैनिंग 44-40 और नॉट बैट यानी 44-40 और पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई। डेनिम बोरेज 34-6 और नॉट बैट यानी 34-6 और पिछले मैच में बैटिंग नहीं। जेक फ्रेसर 22-1 नॉट बैट यानी 22-1 और पिछले मैच में बैटिंग नहीं। लियम स्कॉट 20-22 नॉट बैट यानी 20-22 और पिछले मैच में बैटिंग नहीं। हारने 6-38 और 1 यानी 6-38 और पिछले मैच में 1 रन बनाए। मैक्स क्लाटॉन 14 नॉट प्लेड और 92 यानी 14 नहीं खेले थे और पिछले मैच में 92 रन बनाए। अब जिन बॉलरों ने विकेट लिए आप देख सकते हैं, लियम स्कॉट 0-0-1 यानी पिछले मैच में 1 विकेट मिला, उससे पहले 2 मैच में कोई विकेट नहीं। जेम्स पाइक 0 नॉट प्लेड 3 यानी पिछले मैच में 3 विकेट मिला, उससे पहले इनको कोई विकेट नहीं मिला था, और जो पिछला मैच था उससे पहले वाला मैच खेले भी नहीं थे। और बुरेस नॉट बॉल 3-0 यानी बॉलिंग नहीं की, तो उसके बाद 3 विकेट और पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला। ओलिवर डेविस
नॉट बॉल दो और नॉट प्लेड, यानी पिछले मैच में नहीं खेले थे, उससे पहले दो विकेट मिले थे, उससे पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तनवीर सांगा नॉट बॉल टू और नॉट प्लेड, यानी पिछले मैच में नहीं खेले थे, उससे पहले दो विकेट और उससे पहले बॉलिंग नहीं कराए थे। रायन वर्कर नॉट बॉल वन टू, यानी बॉलिंग नहीं कराए, फिर एक विकेट मिला और पिछले मैच में दो विकेट मिला। लियाम मार्शल नॉट प्लेड वन नॉट प्लेड, यानी नहीं खेले थे, फिर एक विकेट और पिछले मैच में भी नहीं खेले। टॉड मर्फी नॉट प्लेड थ्री, यानी नहीं खेले थे फर्स्ट मैच के बाद भी नहीं खेले थे और पिछले मैच में तीन विकेट लिए। जैक फ्रेशर नॉट बॉल वन, यानी बॉलिंग नहीं कराए, फिर बॉलिंग थर्ड मैच में बॉलिंग नहीं कराया, फोर्थ मैच में एक विकेट मिला। तो ये था आपको तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर जो परफॉर्म किए हुए, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। इनमें से कुछ मैंने अपनी टीम में रखे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ड्रीम इलेवन की टीम मैंने बनाई, वो टीम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप अपनी टीम भी उसकी मदद से बना सकते हो। जो तो जो टीम मैंने बनाई, वो टीम मैं हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर वहाँ देख सकते हैं रॉ और पोर, मैं दो ऑप्शन आपका, इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। आरलब को मत लीजिएगा क्योंकि ये नहीं खेले पिछले मैच में और शायद इस मैच में भी ना खेले, तो मैंने पोरमेर को लिया। आप चाहो तो रॉ के साथ भी जा सकते हो या फिर आप दोनों के साथ जा सकते हो, आप देख लीजिएगा किनके साथ जाना। आप अगर मेरे से सेटिस्फाई तो पोरमेर के साथ जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं बैटिंग की, तो बैटिंग मैंने हार्वे को लिया, इसके अलावा ओली वाइट को लिया, सैम फैनिंग को लिया, मयूरू को लिया। इसके अलावा टीम प्रिंगल को ले सकते हो, फेरी को ले सकते हो, इसके अलावा आप मैक्स क्लाटोन को ले सकते हो, मैक्स क्लाटोन भी बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। इसके अलावा आप युवराज शर्मा को ले सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन आपके और बचते हैं जो चार बैट्समैन मैंने सेलेक्ट किया, उसके अलावा तो जो चार बैट्समैन मैंने सेलेक्ट किया, उसके अलावा अगर आप किसी और को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर जो चार बैट्समैन मैंने सेलेक्ट किया अगर इनसे आप सेटिस्फाई तो इन्हीं के साथ जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं जो चार बैट्समैन मैंने एक बार फिर से बता दूँ, हार्वी को लिया, बाइट को लिया, फाइनिंग को लिया और मयूर को लिया। इसके बाद करते हैं ऑलराउंडर की, तो मैंने बुरेस को लिया, टॉड मर्फी को लिया, विलियम क्लार्क को लिया। इसके अलावा आप दर्शन को ले सकते हो, क्रिस्टन क्लार्क को ले सकते हो, टस्कॉफ को ले सकते हो और ओलिवर डेविस पिछले मैच में नहीं खेले तो इनको ना ले तो ही अच्छा होगा। तो जो तीन ऑलराउंडर मैंने लिए उसके अलावा भी आपका ऑप्शन है, उनमें से भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप मेरे से सेटिस्फाई तो इन तीनों के साथ जाइएगा, बुरेस मर्फी और विलियम क्लार्क के साथ। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में मैंने आदित्य अशोक को लिया, इसके अलावा पाइक को लिया है और रायन बॉलकर को लिया है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है, आप कॉरी कैली को ले सकते हो, लियम स्कॉट आपका ऑप्शन है, डेलन टेलर आपका ऑप्शन है। तो कुछ ऑप्शन आपका व्यवस्था, आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जो तीन बॉलर मैंने सेलेक्ट किया अगर आप इन तीनों से सेटिस्फाई तो इन तीनों के साथ जाइएगा, आदित्य अशोक, जे पाई और रायन वालकर के साथ। इसके बाद करते हैं टीम फिर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे देखते हैं मेहरू को मैंने कैप्टन बनाया, टॉड मर्फी को वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन है, हार्वी को बना सकते हो, फैनिंग को बना सकते हो, बुरेज आपका ऑप्शन है, ओली वाइट हो गए, विलियम क्लार्क हो गए, तो बहुत सारे ऑप्शन आप उनमें से भी कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो, या फिर जो दो मैंने बनाया मेहरू और मर्फी इन दोनों को भी बना सकते हो। तो देख लीजिए आपको किनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, अगर मेरे से सेटिस्फाई तो इन्हीं दोनों को बनाना, और अगर आप अपना लग आजमाना चाहते हो तो किसी और को भी आप बना सकते हो। और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम इलेवन की टीम बना सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है फ्रेंड, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का राइट साइड नीचे कॉर्नर पर, बस उसके ऊपर आपको टच करना, तो उसके ऊपर टच कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम इलेवन टीम बनाने में। एंड आई होप इतने रिक्वेस्ट को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।